वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कोशिश करेंगे जानने का कि लाइफ में कैसे हम खुश रह सकते हैं और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वी हैव अ माइंड दैट इज फास्टर देन एनी कंप्यूटर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बींग। हमारा माइंड बहुत फास्ट काम करता है और एक समय में हजारों तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। तो अगर हम अपने माइंड में हम एक समय में एक विचार ऐसा कुछ हम कर पाएँ मेडिटेशन के जरिए, इंट्रोस्पेक्शन के जरिए हम ये कर सकते हैं। अगर एक समय में हम एक ही विचार को मन में रखें तो हमारा लाइफ अच्छा हो सकता है। वी कैन बी हैप्पी एंड वी कैन गेट सक्सेस इन वाट एवर वी डू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डू आवर इम्पॉर्टेंट वर्क एंड हु इज द इम्पॉर्टेंट पर्सन टू हेल्प अस ऑन दैट वर्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज टू अंडरस्टैंड द टाइम अ प्रायर टाइम अ प्राइम टाइम द राइट टाइम फॉर आवर वर्क। दीज थ्री क्वेश्चंस हैव द आंसर फॉर आवर सक्सेस। आई वुड से द सक्सेस लाइज इन दीज थ्री क्वेश्चंस। इफ यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस नो डाउट वट एवर यू डू यू विल गेट सक्सेस। सबसे पहला है कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है हमारे लिए। अगर हम ये समझ जाएं तो हम लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और किसी से भी हमें कभी कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो होता है हमारे लाइफ में वो एट द राइट टाइम जो हमारे साथ होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, चाहे वो वर्क प्लेस में काम करने वाले लोग होंगे, या स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं, या रोड चलते बाइक में या बस में हम जर्नी कर रहे हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, रोड चलता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो हमें उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना है। हम एक समय में एक व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो भी हो, जितना भी खराब हो, वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो जो हमारे साथ है वही हमारा हेल्प कर सकता है। और इस तरह से हम एक व्यक्ति जो भी हमारे साथ उस समय होता है उसका अगर हम वैल्यू देते हैं तो आने वाले समय में जो भी आएंगे हमारे साथ वो सब हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो हमारे साथ एक समय में होता है। दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रेजेंट, एट द मोमेंट, अभी अभी जो समय है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कल क्या होगा, एक घंटा के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। यानी हम जो करना चाहते हैं, जो भी फैसला लेना चाहते हैं, जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, वो हम अभी इसी वक्त ला सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कल या एक महीना बाद या एक घंटा बाद, तो शायद कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा या हमारा मूड ही चेंज हो जाएगा और हम वो काम नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे उचित समय है कोई भी राइट डिसीजन लेने का, प्रेजेंट टाइम एट द मोमेंट। और थर्ड क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। कुछ लोग बोलेंगे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, योगा करना, तो खाना, तो जॉब करना, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो भी हम एट द मोमेंट कर रहे हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम वही है। अगर खा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट खाना ही है, और अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है, और अगर हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। अगर हम पार्क में घूम रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उस पार्क में घूमना और मूवी देखना से इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यानी जिस वक्त में हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और हमें उस समय कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस काम में, तभी हमारा वो काम सक्सेसफुल होगा। और उसके बाद जो हम काम करेंगे आने वाले टाइम में, जो काम करेंगे वो काम ऑटोमेटिक हमारा अच्छा होगा। यानी खाने के समय हम अच्छा से खाएंगे, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अच्छा से खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, हेल्थ अच्छा होगा, अच्छा से नींद आएगा, हेल्थ अच्छा होगा। उसी तरह से आगे हम पढ़ाई अगर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो हमारे पास टाइम बच जाएगा, और टाइम जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, दोस्तों के साथ बातें कर पाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जो हमारा मन होगा हम कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। अगर एक व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट सीख गया तो लाइफ में वो कभी पीछे नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अगर कोई कहे कि लाइफ में एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों हो जाता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारे देश में गरीबी है, दुनिया में गरीबी है, तो मैं कहूँगा गरीबी नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, गरीबी नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। एक व्यक्ति अगर गरीब है तो ये उसकी लापरवाही है, ये उसका नेग्लिजेंसी है, वो अपने एबिलिटी के अनुसार काम नहीं करता है, इसलिए वो गरीब रह जाता है। और एक आदमी अगर अमीर बनता है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके मेहनत के वजह से होता है। तो गरीबी और अमीरी या खुश होना या दुखी होना, ये सब एक व्यक्ति के हाथ में होता है। सफल होना असफल होना, ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है, हमारे माइंड का एक खेल होता है। अगर हम अपने माइंड को सेट कर लें, अपने आप में कंट्रोल रखें, टाइम मैनेजमेंट कर लें, और ये तीन क्वेश्चन